हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में आप सभी लोगों का देवभूमि उत्तराखंड के नैनीताल जिले के फाटली गांव और कैंची धाम से। अभी सुबह के 7:30 हो रहे हैं और मैं कैंची धाम पर हूँ। तो कैंची धाम में मैंने लाइव दर्शन आप लोगों को इंस्टाग्राम के माध्यम से करवा दिए हैं और मैं बेसिकली करवाते रहता हूँ। साथ में डेली मौसम का अपडेट वगैरह आपको जो है वो कैंची धाम का मिलते रहता है। अभी कैंची धाम में ना आरती चल रही है और सभी भक्तजन मंदिर के अंदर उपस्थित हैं आरती दर्शन के लिए और आरती में शामिल होने के लिए। तो जय बाबा नीम करौली महाराज जी। सुबह के 7:30 अभी हो गए हैं ऑलमोस्ट, और मौसम देखो गाइस, धूप आ रही है, धूप आ चुकी है और सुबह ठंडा शुरू हो गया, सुबह शाम का ठंडा है। जो लोग भी चैनल में नए हैं वो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आप विजिट कर चुके हो चैनल पे तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी कर दो, सभी लोगों को शेयर कर दो वीडियो। बाकी लोग अभी आ ही रहे हैं। ये अल्मोड़ा हाईवे, अल्मोड़ा और रानीखेत को जाने वाला हाईवे, पीछे से जो मेरी बस, जहाँ पर बस रुकी है ये रोडवेज बस है और इसमें जितने भी सवारी रुक रहे हैं सब कैंची धाम आने वाले हैं। ये बस आपको मिलेगी हल्द्वानी और काठगोदाम से, हल्द्वानी से बन के आती है और काठगोदाम से होते हुए आती है। तो जो लोग भी बाई ट्रेन आ रहे हैं, हल्द्वानी रुक रहे हैं तो हल्द्वानी से बस में आ सकते हैं, काठगोदाम रुक रहे हैं तो ये सारी बसें आपको हल्द्वानी होते, काठगोदाम होते हुए ही कैंची धाम आएंगे और यहाँ से अल्मोड़ा रानीखेत की तरफ, पिथौरागढ़, दनिया, कर्णपुरिया की तरफ को चले जाती हैं। आज का रश शनिवार, अब जाम लगना शुरू हो गया है, अब लगता ही रहेगा। ठीक है, दिल्ली साइड से कुछ भाई लोग आए थे तो उन लोगों से मेरी मुलाकात हुई, अच्छा लगा मिलके। तो जो लोग भी कैंची धाम आते हैं उन सभी लोगों से मिलके अच्छा लगता है, जो यहाँ पर मिलते हैं उन लोगों का दिल से शुक्रिया। और बाकी गए अभी लगभग लगभग आरती दर्शन करके लोग आ चुके हैं बाहर। ये देखो कैंची धाम में गए, इस मुख्य गेट, ये है मुख्य गेट श्री कैंची धाम। वीकेंड वाले दिन जब आप लोग आते हैं तो आप लोगों को कुछ कुछ ऐसा रश देखने को मिलेगा। ठीक है गाइस, ये वीकेंड का जैसे शनिवार हो गया, आपका रविवार हो गया और मंगलवार हो गया, तो हम लोग कहीं से भी निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे में। मेरे साथ आए हुए कन्नू भाई, क्या हाल है भाई? बढ़िया बढ़िया, आशीर्वाद दे रहे हो, हेलो बोल रहे हो। हेलो तो देख लो कन्नू भाई, ये हमारा चश्मा पहन के अलग ही ढा रहा है ना, कहर बिल्कुल खतरनाक। तो भाई चलो, कन्नू भाई आए हमारे साथ, अब हम लोग चलते हैं घर की तरफ वापस। ठीक है चलो, ये रोप लगा हुआ है, इस तरह से कूड़ा ना करें। जो भी कैंची धाम आ रहा है सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट, ये जो प्लास्टिक की बोतल आप लोग लेके मतलब पानी पी रहे हो, अच्छी बात है, पानी पीना बहुत अच्छी बात है, सेहत के लिए लाभदायक है, बट ये पानी की बॉटल्स ऐसे फेंकना सेहत के लिए भी हानिकारक है और इस जगह के लिए भी हानिकारक है। तो इस तरह से गंदगी ना करें। ये बीड़ी सिगरेट वाले अलग ही कहर डाल रहे हैं, सभी जगह सिगरेट पीते हैं और ऐसे फेंक जाते हैं, देखो बॉक्सेस। और इस तरफ देखो, जो लोग प्रसाद वितरण करते हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस तरह से प्रसाद का ना जो आप लोग करवाते हो तो उनको संभालने की व्यवस्था भी रखो और इस तरह से गंदगी ना करें। हम लोग आ चुके हैं घर की तरफ और रास्ते में देखो सूरज देवता के दर्शन, हम जिस जिस लोकेशन में थोड़ा चेंज होते हैं ना, वहाँ वहाँ से सूरज देवता के दर्शन जो हैं चेंज हो जाते हैं। घर से कुछ और ही हम लोग लेके आए थे, इतना सारा सामान, क्या क्या इसमें? गेहूँ और मडुआ, गेहूँ और मडुआ। तो कन्नू भाई यहाँ से घर चले जाएंगे, अदरवाइज आ रहा था वैसे, अभी थोड़ी देर में आएगा ना, घास काटने के लिए बुला रहा हूँ मैंने उसको, तो उम्मीद करता हूँ कि आएगा। ठीक है गाइस, तो दिखाऊंगा फिर मैं आपको ब्लॉग में कि कितना अच्छा घास काटता हूँ, बहुत स्पीड है भाई के हाथ में घास काटने में, एकदम बिल्कुल सुपर। ठीक है अभी चलते हैं फिर घर को। ओके, रोज सुबह जितनी भी मिर्च होती ना, जितनी भी सूख रही है वो हम इकट्ठा कर दे रहे हैं, उसको संभाल दे रहे हैं, और जो नहीं सूखी है उसको रोज सुखाना पड़ता है डेली। ये सुबह का घर का नज़ारा, जिन लोगों ने गाँव में ज़िंदगी नहीं जी है ना तो उन लोगों ने ज़िंदगी जी नहीं है। बेसिकली गाँव में जीना ज़रूरी है, चाहे आप 10 दिन, महीना, 10 या सालों, जो भी है। ये हमारी गाय, हेलो हेलो बाबू, क्या हाल है? ये देखो आराम से, गाय बच्चों के साथ जीवन जीना बहुत ज़रूरी है, नहीं? ये हमारा ब्लैकी, क्या हाल है, सब बढ़िया? ये हमारा डब्बू, डब्बू क्या हाल है,
सब बढ़िया है? हेलो बोल दो सबको, हेलो बोल, नहीं बोलना, कोई बात नहीं। तो अभी पहले करते हैं नाश्ता, रोटी लौकी की सब्जी है, दूध हो गया, साथ में घी है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है लहसुन, लहसुन को पापा दे रहे हैं पानी। मम्मी मैं दातुल नीला रही कहाँ घर है छू कती पियो भी रख रहे उसे ओके। मैं आ गया था घर दराते लेने के लिए क्योंकि मम्मी लेके नहीं गई थी और मैं आज वैसे एक घंटा लेट हो गया, कैंची धाम गया था ना मैं, तो इस वजह से मैं लेट हो गया। तो फिर उसके बाद वीडियो डालना इन सब चीज़ों में थोड़ा टाइम लग जाता है। और अभी 9:15 लगभग हो गए, नाश्ता करके मैं आ गया खेत की तरफ। अब जैसे ही घास काटने का काम ख़त्म होगा ना फिर हमारा कटिंग का काम शुरू हो जाता है। ये आड़ू के पेड़ हैं, इनमें हम करेंगे कटिंग। ये देखो ये काट के ऐसे डाल रखे हैं ये सुखाने के लिए। लेकर प्रभु का नाम शुरू करें कुछ काम। मम्मी कहती भाई यहाँ बटे उठाऊनी ये तो भदत ही ना रहो ना। यहाँ पर अभी हम लोग कर रहे हैं दराती की धार को तेज, ठीक है। और जो लोग कह रहे थे ना कि भाई मशीन ले लो मशीन ले लो, हमारे वहाँ जो पहाड़ में जो भेड़े होते हैं ना वो स्लाइड वाले होते हैं तो इसमें मशीन काम नहीं करती, ऊपर से बड़े बड़े पत्थर होते हैं तो मशीन की ब्लेड तो टूटने में रह जाएगी और काम भी नहीं करेगी अच्छे से, ऊपर से कांटे वगैरह होते हैं तो उसमें भी दिक्कत होती है। 12:30 हो चुके हैं गाइस, लंच टाइम हो गया, तो अब चलते हैं घर की तरफ, ठीक है। अभी हम लोग जा रहे हैं घर को, घर जाने की तैयारी हो गई हमारी। और ये मम्मी बांध रही है घास का पूला, ये हमारे गाय बच्चों को खिलाने के लिए है, मतलब शाम को, और क्योंकि फिर काटना तो उनके लिए पड़ता ही है। फिलहाल हम लोग आ चुके हैं घर, मुँह हाथ धोकर के खाना खाने की तैयारी हो रही है। गाइस देख लो फिलहाल ये मस्त धूप आ रही है इधर। अब ये जो बादल लग जाते हैं ना असोज के महीने में तो इनसे क्या होता है फिर सब लोग डर जाते हैं कि अगर हो सकता है बारिश हो जाए तो ये जो घास इतनी सुखा के रखी हुई है तो ये ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए सभी लोग डरे रहते हैं इस मौसम को देख करके। फिलहाल हम लोग खाना खाते हैं, मूली का थेचुआ और भात और साथ में रायता, ठीक है। और ये गेहूँ सुखाने के लिए डाल रखें क्योंकि हमें गेहूँ पीसने के लिए जाना है, इसका आटा बना के लिए लाना है बनवा के। आलू मूली का थेचुए गाइज ये मेथी के साथ और बहुत मस्त होता है। 2:30 बज चुका है गाइज अभी और ये मैंने ले लिया पानी की बॉटल्स, वापस चल रहे हैं खेत में। आज हमें लगाना है लूटा, तो जितना भी कल काटा हुआ था ना घास कल और परसों शाम वाली तो उसको सब इकट्ठा करके हमें लाना है यहाँ घर के पीछे से। तो ताऊ जी को कॉल कर दिया, वो आएंगे लूटा लगाने के लिए। हेयर इज ऑल लॉट्स ऑफ कीवी हो रहे ना, मस्त एकदम मज़ेदार। मम्मी दातू लेटी मेरे ओके ना। हम लोग खेत में भी घास बांध रहे हैं और असोज के महीने में ना बहुत सारे कीट होते हैं जो बसते रहते हैं, इस तरह से साउंड आते रहते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ गढ़ोई। मम्मी घास बांध रही, मैंने इकट्ठा कर दिया था थोड़ा बहुत। और कल एक बहन का कमेंट आया था कि भैया आप तो कम कम ला रहे हो, सूखी घास तो ज़्यादा लानी चाहिए। तो हमारे यहाँ ऐसा होता है ना पेड़ लग जाते हैं और जब उठाने वाले होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा लेके आते हैं, तो लास्ट वीडियो में मैं खुद से ही उठा रहा था तो इसलिए मैंने कम कम बांधा था, तो आज मैंने ज़्यादा बांधा है। अब हैप्पी ना, ये वास्तव में बहुत ज़्यादा हो गया था। और तो इतना ये नॉर्मल होता है वैसे, इससे ज़्यादा तो मेरा भाई लेके आता है, बट क्या सीन है कि पेड़ लग जाते हैं जिसकी वजह से थोड़ा दिक्कत होता है, तब थोड़ा कम कम ले जाना पड़ता है हमें, अदरवाइज बगीचे में ना बहुत दिक्कत होती है ले जाने में।
ये है कन्नू भाई। तो अभी कन्नू भाई आ चुका है यहाँ पे घास सारने के लिए। फिर अभी आ गए ताऊ जी और ता पछड़ी लगाओ पे। चलो फिर मैं ले आना, तुम लोग लगाओ। अभी पापा ताऊ जी लगा रहे हैं लूटा, ठीक है। कन्नू भाई और मम्मी समेट रहे हैं, मैं सार रहा हूँ। तो ये सारा काम हमारा अभी चल रहा है। कर लूँ मैं ट्राई? ठीक है, एक आंवला ट्राई करता हूँ, ठीक है। ठीक हो रहा है फिर? गुठली टाइट नहीं है अभी, समय है। क्या समय है? गुठली टाइट होने में। इसका कहने का मतलब है अब अभी ये आंवला ना मेच्योर नहीं हुआ है, मतलब हम इसको ऐसे ही खा रहे हैं। अगर इसकी जब ये गुठली ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो रही है, जब ये बहुत हार्ड हो जाएगी तब जा करके ये पूरी तरह से रेडी है, मतलब अभी ये रेडी नहीं हुआ है। यू मीन दैट? इसका यही मतलब था गाइस, ठीक है। हम खा देंगे सर, जब तक रेडी होगा तब तक हम खा चुके होंगे। ओके, मैं लेके आ रहा था घास। तो पापा जी अभी यहाँ पर घास दे रहे हैं और ताऊ जी लूटा लगा रहे हैं। तो मेरे को लाने में थोड़ा समय लग रहा था, क्योंकि अगर मैं बाद में घास देता ना बहुत टाइम लग जाता गाइस, हमें और भी बहुत सारे काम होते। फाइनली घास बांधने का काम कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं आ चुका हूँ वापस खेत से और अभी मैंने घास दी और फिर कन्नू भाई ने, फिर हम दोनों ने मिलकर घास दी, क्योंकि बहुत दूर हो रहा था ऊपर हाइट पर। तो कन्नू भाई ने मुझे दिया और मैंने सीधे ताऊ जी को, ताऊ जी ने लगा लूटा। दिस इज हमारा लूटा और ये हमारे ताऊ जी जो मुस्कुराते तो हैं बट पता नहीं चलता है, ठीक है। ताऊ जी की तबीयत खराब हो रही नहीं तो ताऊ जी से मैं कॉमेडी करवाता गाइस अभी ना। तो फिलहाल अब सिर्फ 3 बज गए हैं, देख लो ताऊ जी ने पहाड़ खड़ा कर दिया यहाँ पर बड़ा वाला। हमारे यहाँ इतनी बड़ी घास होती है ना, इसको लगाने में बहुत दिक्कत होती है। ये देखो गाइस, मिलते हैं आपको जल्दी। दिस वन इज लास्ट वन, ठीक है। 1 2 3 ये लास्ट हो गया कंप्लीट लूटा लगाने का काम। 2 लूटे हमने कंप्लीट कर दिए हैं। ओके, हमें बधाई दे दो फटाफट, हमारे 2 लूटे पूरे हो चुके हैं। नाव ताऊ जी उतरने वाले हैं, यहाँ पर स्टैंड लगा रखा है, फिर स्टैंड के जरिए हम ताऊ जी को नीचे उतार देंगे। अंडरस्टैंड? आप तो नहीं कहोगे ना लूटा लगाना नहीं आता है? अगर कभी शहर में घास हुई तो ऐसे लूटा लगाना, बड़े बड़े अपने छतों में, ठीक है। वहाँ ये नहीं होना, आराम से उतरना होता है गाइस, आराम आराम से, ठीक है। अभी ताऊ जी उतर रहे हैं लूटे में से, हम उतारेंगे ताऊ जी को। ताऊ जी बस ये देखो, ताऊ जी कह रहे हैं छोड़ छोड़ तू हट, मैं उतर जाऊंगा, दिखाऊंगा। ये है ये बस बस, कैमरा मैन जरा इधर आओ, ताऊ जी को नजदीक से दिखाओ। अब ये इस तरह से लगाया गया है ताकि इसमें ना पानी नहीं आएगा बिल्कुल भी नहीं। और देखो अब ताऊ जी उतरने भी लग गए हैं। अब इससे ज़्यादा क्या बताऊँ आपको, सब कुछ तो आपको पता है, एक्सपीरियंस वाले लोग हो, आपको लूटा लगाना आता है सबको। ये तो मैं खाली आपको थोड़ी मौज मस्ती करने के लिए आप लोगों को दिखा देता हूँ। एनी ताऊ ऑलराइट, बहुत बढ़िया। ताऊ सब ठीक ठाक? अब कुछ कहना चाहोगे आप इन लोगों से, ये जितने लोग देख रहे हैं, कुछ कहोगे इनसे? ये कुछ कहना है क्या? हेलो कह दो। हेलो, क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है? सबको आशीर्वाद दे दो, चलो अपना सबको आशीर्वाद दो। सबको आशीर्वाद, बस ठीक है। चलो चलो ताओ, चलते हैं गाइस अब, ठीक है। और काम नहीं है हमारे पास, तो वो करते हैं पहले। यहीं पर कन्नू भाई को एक आम मिल गया, आम का पोथिल या आम कहें जो भी कह सकते हैं, या बड़े आम छोड़ करके अपने पोथिल को छोड़ गए हैं यहाँ लावारिस। तो ये कन्नू भाई को मिल गया यहाँ पर, मैं पका के दिखाऊंगा इनको। चल ये ना, ये पागल नहीं हो ऊपर, ये बात है
सही बात, आम ले रहे हो? अरे आम है, सुन के देखो ना खुशबू है, सुनो। हाँ नहीं, ये पकेगा। पकेगा कहाँ, कलर आ गया। पका हुआ है, पील है गो। ना, नहीं पका। एक दांत मार, एक दांत। आम खराब है जल। अरे नहीं होता है, महंगे आम है, करके तो देख। माय गॉड। अभी हम लोग आ चुके हैं नीचे खेत में, जहाँ पर हमने करेले लगा रखे हैं। तो यहाँ से हम लोग पहले करेले तोड़ते हैं, ठीक है गाइस। और करेले, कन्नु भाई का एक्सपीरियंस कहता है कि करेले अभी बहुत चलेंगे, तो हम लोग फिलहाल चल जाएगा बस, ठीक है। फिर पूरे जाड़ो भर करेले खाएंगे गाइस हम ना। और ये बहुत ज़्यादा सही हो रहे हैं, मतलब मस्त एकदम। और साथ में ये है हमारे मनोज दादी का घर, जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है और बगीचे से घिरा हुआ है अभी इस समय। और परसों ना बाघ यहाँ पर बैठा था, ये वाले दंजड़ में, दिखाऊं आपको, इस वाले में, तो यहाँ पर बैठ करके आराम से घूर रहा था वो मस्त होके। और कई सारे लोगों के कमेंट है ना कि आपके यहाँ पर बाघ बहुत सारे हैं, मतलब बाघ बगीचे हैं, पेड़ पौधे, तो बाघ तो आएगा ही नॉर्मली। ऐसा नहीं है, बाघ ये वाला जो आता है ना, ये बेसिकली कंटिन्यूसली यहीं आसपास ही रहता है। तो ये कई बारी उतरते हुए देखा गया है टाइम टू टाइम, यहाँ से इतनी एरिया में रहता है। और ये बेसिकली इस वाले गधेरे में रहता है, ये जो काला वाला है, तो यहाँ से आता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बाकी रात तो उसी की है, वो कभी भी आ जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। दिन हमारा है, दिन हमारा है, तो हमें इतना प्रॉब्लम नहीं रहता इस समय। बाकी हमारे पास तो हमारे शेर हैं, जय और बीरू। जय आ गया है, बीरू पीछे ही है, उसका आता पता नहीं है, ठीक है। तो ये रहता है। अभी हमने फिलहाल सिर्फ इतने सारे तोड़े हैं, बस इतने सारे करेले लग रहे ना एकदम फ्रेश फ्रेश। 150 के दाम, 150 के दाम, 150 के दाम, 160, 170, 180, 200, 200, 200 रुपए से लिखो इनके नाम पे। किनके नाम पर? चलो भाई 200 का रेट, ठीक है। अभी रात हो चुकी है, घर करेले रखने के बाद हम लोग वापस आ गए। अभी ये ट्रैक्टर को छोड़ने के लिए जा रहे हैं कन्नू भाई, क्यों ये वैसे तो बहुत दूर है, ले जाने में थोड़ा दिक्कत होगा, तो पहले इसको लेके चलते हैं गाइस, ठीक है। आप इसको स्टार्ट में लेके जाएंगे, क्योंकि डाउन में फिर बहुत तेज भागता है ये। और देखो इतना अंधेरा हो चुका है, पीछे ले, ये वापस ही ले आता है। थोड़ा दबा के लाना इधर को, अंदर को। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं घर, तो यहाँ पर खड़ा कर दिया ये वाला ट्रैक्टर, आंगन में खड़ा कर देता है। तेल देख कितना गिर गया इसमें से। हम ट्रैक्टर लेके आए यहाँ से, ये हल्का सा घर दिख रहा हमारा अभी यहाँ से, ये हल्का हल्का दिख रहा ना, तो वहाँ से गधेरे गधेरे से लेके आए। और इतनी रात हो चुकी है हमें आते आते, हम पहुँच चुके हैं कन्नू भाई के घर में। ये ताई जी देख लो, रात को ऐसा लग रहा है, लाइट जल चुकी है, 100 लाइट जल चुकी है। वेयर इज ताऊ जी? ताऊ जी पूजा पाठ कर रहे हैं गाइस। ताऊ क्या हाल है? बढ़िया एकदम मस्त, बहुत बढ़िया। ताई यो की है रो, यो भट भटका हो रही तुल गाइस, देखो भट हो रहे हैं यहाँ 5 किलो, और ये हो रहे हैं लाल और काले ना, सफेद और काले, तो बहुत अच्छे हो रहे हैं, मतलब मस्त एकदम। क्या सीन है ना गाइस, रात हो चुकी है यहीं पर, मुझे वापस कन्नू भाई के वहाँ से आते आते 2 लट्ठी लेके आ रहा हूँ, क्योंकि भाई चढ़ाई वाला रास्ता है, ऊपर से पूरा जंगल जैसा। बट यहाँ पर ये हमारे जो भाई साहब हैं, हेलो हेलो, ये भाई हैं नेपाल से, और यहाँ पर लीसा निकालते हैं, तो आज के लिए अकेले रह रहे हैं यहाँ पर। ये बहुत बड़ी हिम्मत वाली बात है गाइस, अंधेरा, पूरा जंगल चारों तरफ अंधेरा, ऊपर है घर जहाँ पर लाइट दिख रही है। ऐसे रहना भी बहुत बड़ा मतलब टास्क है ये वैसे एक हिसाब से, कि ऐसे अकेले सर्वाइव करना, ये सोलो ट्रैवलिंग हो गई इनकी एक हिसाब से, सोलो ट्रिप मार रहे हैं ये, इधर खतरनाक।
तो मुझे ना कन्नू भाई के वहाँ से आने से बहुत देर हो गई थी। उसके बाद घर आने के बाद हमने खाना वगैरह बनाया, खाना खा करके मम्मी पापा सो गए, मैं एडिटिंग वगैरह कर रहा हूँ। तो इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर कीप वॉचिंग। बाय बाय।